तो दोस्तों फाइनली Redmi Note 7 Pro के ह्यूज सक्सेस के बाद अब Redmi अपना अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi Note 8 Pro बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है, जो कि आने वाला है 64 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ, जो कि होने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो कि होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, और इस स्मार्टफोन को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के कमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जल्द हम इस चैनल पे एक बहुत ही अच्छा गिवअवे लाएंगे जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले से। तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में 6.39 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि होने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले है। और दोस्तों एमोलेड स्क्रीन होने की वजह से इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि होने वाला है 7th जनरेशन का। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि होने वाला 25 मेगापिक्सल का। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला एक ग्लास बैक का सपोर्ट, जो कि आने वाला एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग के साथ। और दोस्तों साथ ही में इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही ग्लास बैक होने की वजह से आपको दोनों ही तरफ कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के रियर साइड की कैमरे की, तो दोस्तों यहां पर आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल का, जो कि होने वाला है सैमसंग GW1 का सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। बात करते दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जैसा कि रेडमी के K20 में देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला एक फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि MIUI 11 को सपोर्ट करेगी। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि Redmi Note सीरीज का बेस वेरिएंट का प्राइस 14 से 15,000 रुपीस के करीबन आपको देखने को मिलता है, तो दोस्तों ऐसा ही होने वाला है इस स्मार्टफोन में भी। उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो रिलीज डेट होने वाली है वो इंडिया में आपको दिवाली से पहले देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन हमें कमेंट करके बताएं। एंड फाइनली दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।